बलूचिस्तान की खूबसूरती का अंदाज़ा लगाना हर एक की बस की बात नहीं। हर चंद किलोमीटर के फासले पे एक नई ही दुनिया आबाद है और ऐसी एक कहानी हरनाई के चश्मा में है। हरनाई पानी के हवाले से एक खुशहाल इलाका तसव्वुर किया जाता है, जहाँ की नदियाँ साल हर साल बहती रहती हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ की नदी लोगों के रशकश की आमाजगाह होती है। मछली का शिकार यहाँ के लोग शौक से करते हैं, लेकिन गर्मियों के सीजन में यहाँ मछली के शिकार से गुरेज किया जाता है। मछलियाँ गर्मियों के सीजन में सुख का सांस लेती हैं और अपनी नस्ल बढ़ाने में मसरूफ़ अमल हो जाती हैं। पानी के बहुतात की वजह से यहाँ की ज़मीनें साल हर साल आबाद होती हैं। इन पर मौसम सरमा और गर्मा दोनों की फसलात उगाई जाती हैं। नहरों से खेतों को पानी सप्लाई करने के लिए नाले बनाए गए हैं, जिनसे खेतों को सैराब किया जाता है। अगर ये कहा जाए कि बलूचिस्तान का कामयाब नहरी निज़ाम हरनाई में मौजूद है तो बेजाना होगा। हरनाई के इन्हीं खूबसूरत मकामात में से एक परी चश्मा है। क्वेटा से 168 किलोमीटर दूर जिला हरनाई में एक खूबसूरत चश्मा है, जहाँ का ठंडा पानी सियाहों की थकन उतार देता है और वो सहज ज़दा हो जाते हैं। यहाँ पहाड़ से निकलता हुआ पानी का चश्मा साल भर बहता रहता है और रुकने का नाम ही नहीं लेता। हरनाई के लोग इसे परियों का चश्मा कहते हैं। मकामी लोगों में एक कहानी मशहूर है। पहले यहाँ परियाँ आती थी, लेकिन जब से इंसानों ने इधर का रुख किया तो वो गायब हो गयी। परी चश्मा एक दुश्गवार कच्चे रास्ते के बुलंदोबाला पहाड़ों के दरमियान वाकया है, जिस तक पहुँचने के लिए कोई बाकायदा रास्ता नहीं बल्कि पत्थरों के ऊपर से जाना पड़ता है, जिन पर गिरने का खतरा हमेशा लाहिक रहता है। पहाड़ से गिरने वाला पानी एक तालाब में तब्दील हो जाता है, जहां मनचले बुलंदी से छलांग लगाते और नहाते हैं। परी चश्मा नहायत ही खूबसूरत मकाम पर वाकया है। चारों इतराफ पहाड़ ही पहाड़, दरमियान में बहता हुआ चश्मा। अगर आप हरनाई आए और परी चश्मा नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मौसम गर्मा में लोग गर्मी से छुटकारा हासिल करने के लिए यहां का रुख जरूर करते हैं और खासा लुत्फ उठाते हैं। पहाड़ के ऊपर खड़े होकर परी चश्मे के हसीन नज़ारे से लुत्फ लिया जा सकता है। पहाड़ से निकलता हुआ चश्मा सबसे पहले पहाड़ी के ऊपर एक तालाब नुमा के अंदर गिरता है और आबशार की शक्ल बनाकर जमीन पर गिर जाता है, जो बड़ा ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। नदी से होता हुआ कली अरबों की तरफ चला जाता है, जहां इस पानी से जमीनें आबाद की जाती हैं। परी चश्मा साल हर साल बहता रहता है, जहाँ इसकी दीद को तरसी हुई आँखें लिए लोग इसके दीदार का यहाँ रुख करते हैं। यूँ कहिए कि इस पहाड़ पर साल भर सयाहों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। आबशार से गिरता हुआ पानी जब नीचे जमीन पर गिरता है तो पानी की रंगत में तब्दीली आ जाती है। बलूचिस्तान अपने खूबसूरत पहाड़ों और दीगर सहर अंगेज मकामात की वजह से पुरकशिश है, लेकिन माजी में सड़कों और सहूलियात की अदम फरहमी सयाहों के कदम रोक लेती है। हाँ, अब सीपैक मंसूबे के तहत बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछ रहा है और ये सूबा एक्सप्लोर होना शुरू हो चुका है। यही वजह है कि हजारों सयाह रोजाना की बुनियाद पर इस सूबे के मुख्तलिफ खूबसूरत मकामात का रुख करते हैं, जैसा कि परी जल। नाज़रीन, आप इस परी जल चश्मा के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, ताकि आपको इस तरह की हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तआवुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।